तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गोयल। टेक्निकल इन्फो नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सिंगरी सीखेंगे और दूसरे टॉपिक में हम लोग फोटोज की मदद से कुछ डिजाइंस बनाएंगे, वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो पहला टॉपिक की तरफ हम लोग सिंगरी की तरफ, सिंगरी बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। एमएस पेंट हम लोगों ने खोल रखा है, तो हम लोग स्क्रीन पे अब बनाने वाले हैं सिंगरी। तो देखते हैं सिंगरी कैसे बनाते हैं। सिंगरी बनाने के लिए मैं कुछ ही टूल्स का यूज करूंगा। हालांकि देखते जाइए, मैंने पहले लाइन ले लीजिए। उसके बाद फिर से लाइन ले ली हमने एक और, देखो। उसके बाद हम लोग एरिया नाप लेते हैं पहले कि हमारा डिजाइन जो है सही बन रहा है कि नहीं। सही बनना है, ठीक है। ग्रिड मार देते हैं इसको, इसको फिर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारी डिजाइन है वो उसी एक्यूरेटली बन सके। कॉपी करके यहां से कॉपी कर लीजिए, फिर पेस्ट कर लीजिए, और पेस्ट करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जोड़ते जाइए। जुड़ गई, फिर पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल वी दबा करके। कंट्रोल जेड दबा दिया था, वो तो मैंने अंडू करा था। आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं कीज नहीं बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर करके चलिए, क्योंकि मैं सिर्फ बोला करूंगा, नहीं तो फिर आगे चल के। ये देख लीजिए, मैंने लाइनों की मदद से एक पार्ट जैसा कुछ बना लिया। अब मेरे को सूरज बनाना है, तो सूरज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सूरज भी बनता जा रहा है। सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल को मैंने खींच दिया और ऊपर डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की मदद से ही मैंने ये डाला है। अब देखो मैं लाइनें लेने वाला हूं, जैसे फ्लावर बनाया था पिछली वीडियो में हम लोगों ने, इसी की तरह यूज करते जाना है। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो हमारा सूरज भी बन चुका है, हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं बना वो वाली। स्टार्टिंग होती है, जब प्रैक्टिस होती है तो ऐसे ही बनेगा आपका भी। हालांकि देखो कुछ ना कुछ गलतियां भी होंगी, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा सूरज। कई सारी लाइनें खींच लो, एक के ऊपर एक चढ़ा लो।
ऐसा करो, नहीं तो इधर से लाइनें खींच लो और इसका स्क्रीनशॉट ले करके पर गड़बड़ होगी, स्क्रीनशॉट लेके करेंगे भी तो, क्योंकि हमारा वो पूरा वाइट बैकग्राउंड भी स्पेस ले लेगा। ये देखो इधर से मैंने देखो इसका बराबर का आकार ले लिया। देख सकते हो मैंने सूरज बना डाला है। सूरज बनाने के बाद हम लोग कुछ बादल लेंगे, बादल आपको यहीं से मिल जाएंगे। कोई से भी बादल ले लो। क्लाउड ले लिए। अब क्लाउड में हमने बारिश कराने के लिए वो चाहिए होता कलर, तो कलर के भी ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग थोड़ा कलर एडिट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा बादल भी बन चुका है, सूरज भी बन गया। अब बची है हमारी कुछ चिड़िया। चिड़िया बनाने के लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सीधा इस्तेमाल करेंगे, सीधे स्ट्रेट लेंगे। उसके बाद हम लोग कलर कर देंगे इसको ब्लैक। और चिड़िया बनाने के लिए हम लोग को ये चाहिए होता थोड़ा सा, द्वारा करते हैं लाइन की मदद से बना देते हैं, नहीं तो बना लेंगे। करो देखो हम लोगों ने पहले छोटा पीस ले लिया, द्वारा कर लेते हैं सिर्फ दबा करके, बार बार समझो। और फिर से हम लोगों ने फिर गड़बड़ हो गई, सिर्फ दबा करके मैंने देखो फिर से स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, और देखो मैंने ये इसको न्यू ले लिया। देख सकते हो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको फिर से यहीं पर लगा लूंगा। देखते जाओ ये चिड़िया से उसके जुड़ गई। अब चिड़िया को हम लोग छोटी कर लेंगे, फिर जब हम लोग बड़ी से बनाते हैं तो स्टार्टिंग में। कट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। अब जहां जहां हमें चिड़िया रखनी है उसको हिसाब से हम लोग रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे साइज बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको छोटा कर देंगे कोने से।
फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको जगह जगह रखने के लिए कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ रख ली देखो चिड़िया मैंने, यहाँ रख ली, यहाँ रख ली। तो इसी तरह आपको बिछाते जानी है ताकि दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा छोटा कर लेंगे नहीं तो अगर दिक्कत लग रहा तो मैं और बीच में ले लेंगे, ठीक है। फिर से हम कर लेंगे भाई, पेस्ट करते जाना पेस्ट बटन पे क्लिक करके। फिर से वैसे ही करेंगे, देख सकते हो हमारी लाइन कट गई है थोड़ी सी। हम लोग इसको इधर से उधर कर के जोड़ लेंगे, जुड़ गई। देख सकते हो इसको हम लोग डिलीट मार देते हैं, पेस्ट किया यहाँ रखा। देखो हमारी चिड़िया बन गई कई सारी, छोटी बड़ी करके। अब हमारा जो रह गया है मेन, वो रह गया घर और रोड। तो ऐसा कलर हम वैसा हल्का वाला लेंगे ताकि आसमान सा लगे ऊपर। देख सकते हो मैंने आसमान की सी पूरे वो बना लिए। ये जो था ऊपर हमने जो बनाया था वो पहाड़ था, पहाड़ के उसमें पीछे हमारा सूरज डूब रहा है, ठीक है। तो अगर इधर कमी रहेगी तो हम लोग इधर भी भर लेते हैं पेंट का ताकि लगे आसमान सा। अब हम लोग बनाएंगे घर, घर बनाने से पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग गार्डन बना देते हैं। गार्डन बनाना ज़्यादा सिंपल पड़ेगा।
देख सकते हो गार्डन जैसा बनता जा रहा है हमारा, बाद में फूल बनाएंगे। इधर से हम लोग थोड़ा सा एरिया काटेंगे ताकि बाहर का गेट बन सके। काट लिया, अब इधर से हम लोग थोड़ा सा रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप बनाने से पहले हम लोग घर बनाएंगे, क्योंकि घर से ही रोड मैप निकलेगा। और इधर बगल बगल में फ्लावर बचा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैसे हैं घर, ये देख लेते हैं। ब्लैक आउटलाइन लेना चाहिए हमें ज्यादातर। देख सकते हो एक और ब्लैक आउटलाइन ऐसे लो। और थोड़ा सा नीचे कर करके ऊपर नीचे सेलेक्ट करके हमने जोड़ दिया। फिर वैसे ही करना है, थोड़ा सा इधर साइड में लेना टेढ़ा, देखते जाओ बस। कंट्रोल जेड कर लो, गड़बड़ हो जाए करे तो। इसके बाद इस ब्लैक आउटलाइन को हम लोग इससे जोड़ देंगे। उसके बाद इस वाली आउटलाइन को हम लोग इससे जोड़ देंगे। फिर से हम वैसी आउटलाइन बनाते जाएंगे। फिर हम लोग फिर से वैसी आउटलाइन बनाएंगे। फिर से हम लोग वैसी आउटलाइन बना लेंगे। फिर हम लोग फिर से वैसी आउटलाइन बना देंगे। जल्दी करने के लिए आपको ऐसी सीढ़ी बना के काट लेनी है, जैसे कि मैं काट ले रहा हूँ। देखो वो भी पेस्ट किया, और इधर से हम लोग रबड़ ली। रबड़ के लिए भी हम लोग यूज करना सीख रहे हैं। कंट्रोल प्लस 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 दबा करके हम लोगों ने इसको मिटाना शुरू कर दिया है। पेंट का दरअसल लोगों को बहुत यूज है, क्योंकि तो लोगों को सिर्फ तस्वीर दिखती है, तस्वीर में ही मेन खेल होता है। बाकी चीज़ें तो सिर्फ प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है पेंटिंग की। क्योंकि तो पेंट जिसकी अच्छी नहीं होगी, वो बंदे की जो नज़र पड़ती है, कस्टमर की जो भी यूज़र होता है हमारा, क्लाइंट वगैरह, उसकी नज़र सिर्फ सीधे डिजाइन पर पड़ती है पहले। उसे क्या मालूम पीछे की प्रोग्रामिंग क्या है, क्या कैसे एनिमेशन हो रही है। सबसे पहले वो डिजाइन पर जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले पेंट को सिखाया था। देख रो नहीं आ रही, तो हम लोग इसमें ओपीक्यू का नाम का टूल होता है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ओपीक्यू
कॉपी पेस्ट, देख सकते हो अब मेरा ये ट्रांसपेरेंट बन गया। अब मैं इसको जहाँ जहाँ जोड़ूंगा वो वहाँ पे जुड़ता चला जाएगा, उसी क्यूरेट में जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते जाना आपको। मेरी लाइन सीधी नहीं खींची थी इसलिए मैं थोड़ा वैसा कर लूंगा। मेरी डिजाइन जैसी भी बननी है, आपको अपनी डिजाइन अच्छी करने के लिए सही करना पड़ेगा। अब देखो हमने शीशे के लिए भी बना लिया था। देख सकते हो हमने बीच में ले लिया सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ पोजीशन पे, इसके सर्कल के सेंटर ऑफ पोजीशन में। अब हम लोग जो है शीशे पे कलर भरने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही। आप देख सकते हो मैं इस पे लाइन एक और खींचने वाला हूँ ग्रे कलर की, ताकि अभी घर पूरा बन जाए हमारा। देख सकते हो इधर हम ग्रीन कलर की रेजर ले लेंगे ताकि मिटाना आसान पड़े। देख सकते हो मेरा बनने पे आ गया, पर जैसा भी बनना है राइट क्लिक करके लेना है आपको, क्लिक करना है तो देख सकते हो। और फिर हमें इस पर को इससे जोड़ देना है, इधर का जो एरिया है उसे खाली कर देना है। खाली करने के लिए हम लोग वाइट कलर लेते हैं पहले, जिससे हमें सही लगे। ठीक है, देख सकते हो वाइट कलर हो गया पूरा इसमें। इधर का एरिया भी हमने वाइट कर दिया। अब ये देख सकते हो कि घर सा लग रहा है, कि घर इस पर टिका हुआ है। अभी हमने ऊपर की छत सही नहीं की है, हालांकि हमें चार खिड़की वाली विंडो बनानी है। देख सकते हो बनने वाली है, सिंपल वैसी ही बनानी है जैसे हमने ऊपर की बनाई थी। अभी
एम एच पेंट पे लेकर के हम लोगों को कलर टू में वाइट कलर रख के इरेजर से मिटा देना है। सबसे पहले इरेजर को छोटा कर लेते हैं, नंबर लॉक पीस का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग ज़्यादातर। अब देख सकते हो कि मैंने एक खिड़की के लिए पूरा कलर सा ले लिया है। राइट क्लिक करके भर लेता हूँ मैं, कलर टू को हमेशा राइट क्लिक करके भरा जाता है। और इधर भी हम लोग एक विंडो बना करके गेट का दरवाज़ा बना लेते हैं इधर से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विंडो ही बना लेंगे। विंडो बनाने के लिए मैंने जैसे बताया वैसे ही बना लेनी है। इधर हम लोग थोड़ा सा खिड़की वैसे वाली बनाएंगे, थोड़ी अलग टाइप की। देख सकते हो मैंने इस टाइप की खिड़की बनाई है, जैसे वो खुली हुई है क्या खिड़की। इधर हम लोग कोई आदमी खड़ा कर देते हैं, जैसे कि सपोज कोई भी आदमी खड़ा हुआ है। देख सकते हो बहुत छोटा लेना लेना पड़ता है, हमें लेफ्ट राइट एरो कीज का ही यूज करना पड़ता जा रहा था इसी में। अब इधर हम लोग थोड़ा सा कपड़ा सा बना देंगे। इधर पहले हम लोग इसका चेहरे का रंग कर लेते हैं ताकि दिखाई दे चेहरा। और इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कपड़े का डिजाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इधर कर लेंगे थोड़ा सा। और इधर इसमें लाल कलर कर देते हैं थोड़ा सा, लाल में थोड़ा सा हल्का लाल करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं। पेंट का यूज़ करेंगे, पेंट विकेट का। पेंट बकेट के लिए हम लोग कलर टू में यूज़ कर, कलर वन में यूज़ कर लिया, कलर वन भर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इरेजर का यूज़ करेंगे। इरेजर को छोटा कर लेंगे। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वो पहले इसको भी हटा देते हैं। हम लोग डिलीट मार देंगे डिलीट से।
देखिए मैंने एक दरवाजा सा बना लिया है। और इस दरवाजे के अंदर एक और बनेगी कुछ भी छोटा सा गेट जो खुलता है अंदर की तरफ से। इस पे से ही थोड़ी सी रोड साइड जाएगी, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे रोड के लिए। रोड बना लेते पहले। अब देखो रोड भी रोड कर देंगे, और रोड पे थोड़ी सफेद सफेद लाइनें होती हैं, हम लोग वो भी खींच दे रहे थे। इसके लिए हम लोग सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देंगे पूरी की पूरी। और इधर से हम लोग इसके बीच के टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। कलर हमने ले ली दूसरी, देखो कलर हमने दूसरी ले ली, और कलर को बढ़ा करके साइज बढ़ा करके उसका देख सकते हो। यहाँ पे आने के लिए हमने वो बना लिया पूरा। और कलर को फिर से भरने के लिए हमने ये सेलेक्ट किया और फिर से कलर भर दिया। अब देख सकते हो ये कलर पूरा भर गया। अब एक ही लग रहा है, अब धब्बे भी नहीं दिख रहे हमें। क्या लग रहा है कि पेंट किया हुआ है वास्तव में। इधर लकड़ी का कलर होना चाहिए, लकड़ी का कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी लकड़ी की विंडो, लकड़ी का गेट, पत्थर कलर भर देते हैं हम। पत्ता थोड़े डार्क होने चाहिए और भर देते हैं। ठीक है, इन ब्लॉक्स में भरते जाना है। पूरी सीन भी बना के दिखाएंगे हम लोग, ताकि देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। मतलब वो ही नहीं है कि देखने में अच्छी लगनी चाहिए, मतलब है आपको सिखाना कि पूरी वास्तव में ही अच्छी कैसे लग जाती है वो सीन। देख सकते हो छत भी बना दी, छत का भी तैयार हो गया। रूम के अंदर का कलर थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग रूम के अंदर का कलर भी अलग कर देते हैं। और इस पे ब्राउन कलर में थोड़ा सा डिफेक्ट करके हम लोग गेट की उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि हमें खिड़की लगे हो वास्तव में। अब देख सकते हो अब इधर से जो जाएगा वो है रोड मैप। रोड मैप बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा इसी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रे कलर की रोड का होता है।
वो हमसे गलती हो रही है तो इसलिए हम लोग हटाते हैं ज़्यादातर। इसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं। और वैसे भी ये थोड़ा सा मिट्टी जैसा होता है, इसको मिट्टी कलर करते हैं। इधर हम लोग थोड़े से कुछ बिछा देते हैं मैपिंग वगैरह करके, जैसे कि ये ग्रे कलर की जो लकड़ी की कलर का हमें चाहिए होता है। जैसे इधर लाइन वाली हमने डंडिया बना दी कुछ, कुछ इधर है। ऐसी बना लो लात। इसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके पेस्ट करते जाओ। इन पे लकड़ी से ये खींच दो। ऐसी इस पे खींच दो, दो लाइनें। ऐसी इस पे खींच दो। देख सकते हो हमारा पूरा घर सा बन गया। अब थोड़ा सा हम लोग कलर ले लेते हैं वैसा। देख सकते हो पूरा बन गया हमारा, सीनरी जी बन गई जैसा कि हमने कहा था, सीनरी बना कर रहेंगे और देखने में अच्छा भी लग रहा है। अब हम लोग इधर कुछ फ्लावर वगैरह उगा देते हैं वैसे ही छोटे छोटे। जैसे भी हैं
आप लोग अच्छा बनाने की कोशिश करना। मैंने जैसा बनना था बना, जल्दी के लिए मैंने बना दिया। हमारे पूरी सीनरी बन के रेडी हो गई है। जैसा कि मैंने कहा था सीनरी बनाएंगे, सीनरी बन गई। सेव एज पे क्लिक करके जेपीजी में क्लिक करके हम लोग इधर लिख लेंगे सीनरी। इधर से अनटाइटल आता, टाइटल नेम के लिए बोलता है वो, कि अभी टाइटल नेम नहीं रखा गया होता है जब भी किसी इमेज का, तो अनटाइटल बताएगा वो किसी भी चीज़ पे काम करोगे तो। ठीक है, तो आज का हमला ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस वाले टॉपिक को ख़त्म करने के बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए इस टॉपिक को